रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उन मर्दों पर जो कि औरतों की मुशाबत इख्तियार करें, और लानत है ऐसी औरतों पर जो कि मर्दों की मुशाबत इख्तियार करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लानत फरमाई है। जिन लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई, तो आप खुद को उसकी आर्मी बना रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो आइडियल लिस्ट है उनके अंदर वो आ रहे हैं। तो आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपका ईमान जो है वो कितना कमजोर हो गया या फिर खत्म ही हो गया। और जरा तसव्वुर करें ना कि लानत कौन भेज रहा है। जब आप इस पॉइंट पे गौर करेंगे ना, वल्लाही जो भी ये BTS का लवर देख रहे हैं ना, वो तो अभी क्विट करेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेज रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन, कि जो सिर्फ हमारे लिए एक आलम के लिए रहमत नहीं है, तमाम आलिमों के लिए रहमत जिनको करार दी है वो लानत भेज रहे हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना कि ये टेम्प्ररी दुनिया है, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया जो है वो क्या है, सिर्फ धोखे का सामान। ये तो हम लोग हैं जो दुनिया को परमानेंट समझते हैं और इसकी मुश्किलात को परमानेंट समझ लेते हैं कि मुश्किलात अब खत्म ही नहीं होंगी। देखिए मुश्किलात जो हैं वो आएंगी और आपकी जिंदगी से चली जाएंगी, जब तक आप इस बात पर यकीन कर लेंगे आपकी जिंदगी सुकून से भरपूर हो